नमस्कार, अभी हम नोट गेट की सत्यवान सारणी बनाएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले हमने और गेट और एंड गेट की भी सत्यवान सारणी बनाई थी। सर्वप्रथम नोट गेट के प्रतीक को देखते हैं, तो नोट गेट को हम कुछ इस प्रकार के प्रतीक से शो करते हैं, जिसमें एक इनपुट और जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट का इन्वर्ट मिलता है। और यहाँ पर गेट की संक्रियाओं में हम जो संकेत काम में लेते हैं वो हम बुलियन एलजेब्रा में लेते हैं। किसमें? बुलियन एलजेब्रा में। बुलियन एलजेब्रा में दो संकेत होते हैं, एक जीरो एक वन। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, जो इनपुट दिया उसको इन्वर्ट कर रहा है, यानी उसका उससे हाई से निम्न में कर रहा है और निम्न से हाई में कर रहा है। जैसे जीरो निम्न है, इसका इन्वर्ट क्या होगा, वन। बार बार को हम क्या कहते हैं, इन्वर्ट। वन का इनवर्ट जीरो, यही आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल है। और इसी के साथ हम इसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट से समझना चाहें तो देखिए समझ सकते हैं। ये बल्ब है और यहाँ पर ये बैटरी जुड़ी हुई है। अब जब बल्ब जलेगा इसका अर्थ है कि आउटपुट वन है, बल्ब नहीं जलेगा इसका अर्थ है आउटपुट जीरो। अब ये कोई स्विच ए लगा हुआ है यहाँ पर। अब ए को बंद रखने का अर्थ है कि यहाँ से ए से धारा बहेगी, यानी ए वन है। जब हम कुछ देंगे तो वन लिखेंगे, जब कुछ नहीं देंगे उसको हम ग्राउंड कर देंगे, यानी उसको जीरो कर देंगे, तो हम संकेत में क्या लिखेंगे, जीरो। ए ओपन है इसका अर्थ क्या है, ये जीरो स्थिति पर है। ए वन है इसका अर्थ क्या, सॉरी, ए बंद है इसका अर्थ क्या है कि ए वन पर है। अब जैसे मैंने इसको बंद कर दिया, ए को बंद कर दिया, तो सारी धारा कहाँ से बह जाएगी, यहाँ से, यानी ए को वन किया यानी बंद किया, तो वन का इन्वर्ट जीरो, या यहाँ से समझ ले कि धारा सारी यहाँ से बह जाएगी, यानी बल्ब नहीं जलेगा, यानी जीरो प्राप्त हुआ। अब ए को मैंने खुला रख दिया, तो धारा कहाँ से बहेगी, बल्ब से सारी धारा, यानी बल्ब जलेगा वन, या यहाँ से देख ले जीरो का इन्वर्ट क्या होगा, वन होगा। यह अपनी छोटी सी सत्यमान सारणी है नोट गेट की। आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।